उन्नाव में श्री साईं शोभा यात्रा को लेकर साईं मंदिर लोकनगर साईंपुरम में की गई प्रेस वार्ता, जिसमें साईं मंदिर के संस्थापक सुरेंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि इस वर्ष 13वीं साईं शोभा यात्रा 14 जनवरी को सुबह 10 बजे से भारत मिलाप से बड़े चौराहा छोटे चौराहा होते हुए लोकनगर के रास्ते से श्री साईं दरबार मंदिर में पहुंचेगी। 8 जनवरी से 13 जनवरी तक दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। 15 जनवरी को प्रातः 8 बजे शुभ यज्ञोपवीत संस्कार एवं विष्णु महायज्ञ का कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। श्री राम कथा का आयोजन के पूर्व प्रतिनिधि सुबह 8 बजे यज्ञशाला परिक्रमा व हवन आहुति दी जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस का एक उद्देश्य है समाज में जो हमारी निरंतर एक ये विशाल साई शोभा यात्रा चल रही है उसकी 13वीं विशाल साई शोभा यात्रा है और साई शोभा यात्रा बाबा के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में मनाते हैं और इस बार साई शोभा यात्रा जो हमारी 14 तारीख को होती है राम कथा और विष्णु महायज्ञ का भी आयोजन है। राम कथा हमारी 8 तारीख से निरंतर 14 तारीख तक चलेगी और 15 तारीख को विष्णु महायज्ञ और यज्ञोपवीत संस्कार होगा। राम कथा हमारे यहाँ वृंदावन से देवी दीक्षावस्ती जी आ रही हैं वो करेंगी। विष्णु महायज्ञ हमारे आचार्य जी श्री राजेंद्र प्रसाद जी करेंगे और देवी दीक्षावस्ती के पिताजी आज हमारे बीच में भी हैं, वो यहाँ मौजूद हैं दिलीप विमलेश जी और हमारे संरक्षक में हमारे अशोक कुमार वर्मा एडवोकेट जी भी हैं। आप सबके सहयोग से इस आयोजन का कार्यक्रम किया जा रहा है और समाज में एक धर्म सनातन को और धर्म के प्रचार हेतु सनातन को आगे बढ़ाने के लिए इन सब आयोजनों का कार्यक्रम किया जा रहा है। यात्रा आपकी कहाँ से कहाँ तक है? यात्रा हमारी निरंतर 13 वर्षों से भरत मिलाप मैदान से उठती है और फिर उसके बाद बाबूगंज जाती है, बाबूगंज से होते हुए बड़े चौराहा, फिर छोटा चौराहा और फिर लोकनगर क्रॉसिंग होते हुए हमारे साईं दरबार मंदिर आती है। यात्रा का समय क्या है? यात्रा का सुबह 10 बजे से और यहाँ करीब हम लोग 3 बजे पहुँचते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।